इसमें है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. मतलब मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल में डायमीटर बना हुआ है. उस डायमीटर के एंड्स पर जो मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा, मुझे ये प्रूव करना है कि वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, तो मैं एक बार पहले फिगर बना के आप लोगों को समझाता हूँ. नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना. ये एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4. एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास एक सर्कल है. सर्कल बनाते हैं जी. सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया. अब एक काम करते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है उससे पास करके जाने वाली सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर. तो हमने क्या करा, ये डायमीटर ड्रॉ कर लिया. डायमीटर ड्रॉ कर लिया. अब जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स से होकर गुजरने वाली दो टेंजेंट्स जो होंगी वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो हम ये कहेंगे लेट द टू टेंजेंट्स, लेट द लेट द लेट वन ऑफ द डायमीटर. डायमीटर कितने बना सकते हैं हम सर्कल के अंदर? इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं हम. किसी सर्कल के अंदर कितने रेडियस बना सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं. तो डायमीटर मैंने चाहिए ये बना लिया सीधा. तो मैं बोलूंगा लेट वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल, लेट वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल बी AB, capital AB as shown. The capital AB as shown. तो ये हो गया A और ये हो गया B. फिर हम कहेंगे let the tangent through A be PQ and the tangent and the tangent through B, capital B, B R S, R S. तो मैंने A को टच करते हुए जो निकल जाए, जो A को टच करते हुए निकल जाए, उस टेंजेंट को बेटा मैंने बोल दिया PQ, P Q, और जो B को टच करते हुए निकल जाए, जो B को टच करते हुए निकल जाए, मैंने उस टेंजेंट को बोल दिया आर एस, आर एस. ये हो गया. ठीक है, तो ये दो टेंजेंट्स हो गए AB और RS. तो मुझे क्या प्रूव करना है यहां पर? मुझे ये प्रूव करना है कि ये PQ, सॉरी दो टेंजेंट्स, एक हो गया PQ और एक हो गया RS. मुझे ये प्रूव करना है दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे इस क्वेश्चन में टू टू पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. मुझे ये प्रूव करना है कि टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट आर एस के पैरेलल होगा. ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहां पर कि एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन में क्या लिखेंगे कि ये रेडियस ही तो है भाई, एक तरह से रेडियस ही तो है. तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल बिटवीन टेंजेंट
and radius at the point of contact of a circle is 90 degree. पहले ही बताइए, ये समझ में आ गया? Yes sir. समझ में आ गया? उसके बाद में देखता हूँ. Yes sir. ठीक है जी, उसके बाद में लेता हूँ R B A. इस वाले एंगल को 90 डिग्री ले लीजिए. हम कहेंगे एंगल R B A is equal to 90 डिग्री. यहाँ भी सेम रीजन लिखेंगे आप कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री. और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वाले एंगल को भी 90 ले सकता था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो है. मैं इस वाले एंगल को भी 90 ले सकता था, ऐसे ही मैं इस वाले को भी ले सकता था. मैंने जानबूझकर यहाँ पर ये वाला 90 बोला और मैंने ये वाला 90 बोला. इससे क्या हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि हियर एंगल क्यू ए बी एंड एंगल आर बी ए दे आर इक्वल, देयरफॉर एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल आर बी ए. ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. And both these angles are forming a pair of alternate interior angles, alternate interior angles where diameter AB, where diameter AB acts as transversal. So tangents BQ is parallel to RS. बताइए, समझ गए? Yes sir. बताइए आस्था, समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, चलिए जी, एक मिनट रुक जाइए बस, अभी कंटिन्यू करता हूँ. तो हमने ये बोला कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो सीधी सी बात है दोनों 90 डिग्री हो गए. 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल आ गए. अब जब दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो इक्वल आने का मतलब क्या है, एक एंगल इस लाइन के इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ, तो साफ दिखाई दे रहा है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं. तो इसका मतलब ही हमारी दोनों की दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है. PQ is parallel to RS, यानी दोनों जो tangents हैं हमारे वो parallel हो गए. ठीक है, अच्छा रुचिर समझ गए? Yes sir. ठीक है जी, उसके बाद question number 5 देखिएगा. question number 5 में prove that the perpendicular at the point of contact, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle. जो circle है, सर्कल पर जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट पर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है, पासेस थ्रू द सेंटर, पासेस थ्रू द सेंटर. ये चीज प्रूव करनी है. देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 में
एक सर्कल है perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Let there be a circle. Let there be a circle with the center O. With center O and radius OB as shown. Radius OB as shown. So हमने ए के सर्कल मान लिया जिसका जो सेंटर है वो ओ है और रेडियस है ओ बी. यहां पर एक टेंजेंट है इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया. लेट the tangent at the point of contact B PQ. ये tangent मैंने ले लिया PQ. ठीक है. And also let proof क्या करना है, ये बोल रहे हैं proof that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. हाँ ठीक है. Also let there be perpendicular AB as shown. यहां tangent कहां पर है? Tangent circle के जिस point of contact पर है. Point of contact किसका लेते हैं हम circle के radius का. हम circle के radius का और tangent का जो जहां पर circle का radius और tangent मिलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है. क्या ए बी मैंने मान लिया उसको, ये ए बी. ए बी ठीक है. तो ये हमने मान दिया. तो ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है. बताइए जी इतना समझ में आ गया? यस सर. इतना समझ में आ गया. इन्होंने बोला है कि एक हाँ जी एक परपेंडिकुलर है जो कहां पर पड़ रहा है, वो टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एक परपेंडिकुलर है. वो जो परपेंडिकुलर है It is a straight line which passes through the center. मुझे ये चीज प्रूव करनी है. हमें ये प्रूव करना है कि अगर AB को आगे ऐसे एक्सटेंड करें तो it will pass through the center. ठीक है. तो अब हम ये कहेंगे कि एंगल ABQ, एंगल ABQ is equal to 90 degree. हो गया एज पर द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन.
as per the conditions given in the question. एंगल ABQ is equal to 90 degree, ठीक है? दूसरा हम बोलेंगे एंगल OBQ, एंगल OBQ is equal to 90 degree. इसके रीजन में क्या लिखेंगे? The angle between tangent and radius, angle between tangent and radius at the point of contact excuse me sir हाँ बेटा बताओ तो यहाँ पे हमने एबी वाला परपेंडिकुलर क्यों लिया जब हम से भी कर सकते थे एक जना बोलिए एक बार दोबारा बोलिए नहीं समझ में आएंगे सर एक मिनट हाँ मैं बोल रही थी कि यहाँ पे हमने एबी वाला परपेंडिकुलर क्यों लिया जब हम बीओ वाला भी कर सकते थे अभी बता रहा हूँ ना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इसको यहाँ दिखा रहा हूँ इधर देखूंगा एंगल ओबीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे हम एंगल बिटवीन tangent and radius at the point of contact. Of a circle is 90 degree. ठीक है अब देखिएगा मैं ABQ को मैं क्यों ले रहा हूँ जबकि मैं OBQ को भी ले सकता था 90 डिग्री ऐसा क्यों है इन्होंने हमको ये दिया है इस क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर कि अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगा मुझे ये चीज प्रूव करनी है तो देखिए एक तो हमारे पास है ही परपेंडिकुलर वो तो होता ही है रेडियस तो वो जो रेडियस है वो तो प्रॉपर्टी है ही कि रेडियस जो है रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो तो हमें मालूम ही लेकिन हम क्या लेकर चल रहे हैं हमें एक और परपेंडिकुलर लेकर चलना है ना हम उस रेडियस वाले को नहीं लेकर चलेंगे हमें एक और परपेंडिकुलर लेकर चलना है इसलिए मैंने कहा कि चलिए इस परपेंडिकुलर को मैं सर्कल के बाहर से कहीं ड्रॉप कर देता हूं वो आपकी बात ठीक है कि जो रेडियस है रेडियस भी परपेंडिकुलर ही होता है उस पर टेंजेंट पर ठीक है तो इस वजह से मैं इसको बाहर लेकर चला हूं कि एक नई कंडीशन लेकर चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में अलग कंडीशन दे रखी है बताइए समझ गए हाँ जी सर इतना तो आ गया बट सर मेरे को ये है कि हम इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरम प्रूव करके इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते नहीं नहीं थ्योरम को यूज करो और इस चीज को सीधा सीधा यहाँ पर करिए आपने एक नाइन एक तो परपेंडिकुलर बाहर निकाल दिया और एक परपेंडिकुलर अंदर है ही तो इस थ्योरम को यूज करके बड़े आराम से हो जाएगा नहीं तो थ्योरम को प्रूव करना वो आपके लिए थोड़ा सा आप वही स्टेटमेंट बना है वो थ्योरम कि आप बार बार कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट्स व्हाई ये 90 डिग्री ठीक है तो उससे बढ़िया ये है कि जब आपको थ्योरम मालूम ही है तो आप उस थ्योरम को यूज करके इस चीज को प्रूव कर सकते हैं ऐसे हमने कहा कि ये AB जो है ये बाहर से पड़ने वाला एक परपेंडिकुलर है जो इस टेंजेंट पर पड़ रहा है मैंने कहा ये वाला एंगल 90 डिग्री है ये क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से गिवन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है ये एज पर दिस थ्योरम जो मैंने यहां मेंशन कराया है एज पर दिस थ्योरम ये हो गया तो हम ये कहेंगे ये भी 90 ये भी 90 इन दोनों का सम बन रहा है 180 डिग्री तो हम ये कहेंगे एंगल ABQ plus angle OBQ is equal to 90 degree plus 90 degree yani ki 180 degree so it implies that angle ABQ and angle OBQ are forming a
linear pair. They are forming a linear pair. Therefore, AO is a straight line. Which passes through the center. वो मेरे को दिखाई दे ही रहा है कि वो सेंटर से पास कर रहा है. Which passes through the center. That's proved. यही चीज मुझे प्रूव करनी थी. बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. ठीक है, समझ गए? 90 समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है जी. चलिए जी अगला देखते हैं. बस एक मिनट हो गया. अब देखिएगा, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था, उसके बाद अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm, find the radius of the circle. मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी. ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हो जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पहले तो एक सर्कल बना लिया, ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेंटर. ठीक है, सर्कल के सेंटर को हम लिटरली ओ लेकर चलते हैं, तो ओ हो गया इसका सेंटर. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एट अ डिस्टेंस. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, ए से एक टेंजेंट डाल दिया पहले तो, एक्सटीरियर में एक पॉइंट है ए, तो ए से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉप करा इस पर, ये ए है. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट ए है, ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. ये समझ में आ गया सभी को? यस सर. यस सर. हां जी, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. The length of 5 cm of the circle is 4 cm. ये मेरे को 4 cm given है. अब वो पूछ रहे हैं कि आप radius निकालिए इसका, तो ये तो 90 degree होता है, radius निकालने के आराम से Pythagoras theorem लगाकर. Yes sir. ठीक है, छोड़ दो इसको. Sir. Yes sir. Thank you sir. ठीक है, तो question number 6 मैं छोड़ रहा हूँ. Question. Yes sir. हाँ जी, question number 7 देखते हैं जरा. Question number 7 देखिए, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बिल्कुल ऐसा ही question हमने देखा था examples में. तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करना है. Concentric circle का मतलब क्या है? कि circle के अंदर circle बनता है. Concentric circle का मतलब circle के अंदर circle बनता है, उनका center common होता है, same होता है center. तो एक तो सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये,
टू सर्कल हो गए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो जो बड़े सर्कल में कॉर्ड है, जो बड़े सर्कल में कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच करती भी नहीं कर रही है, यानी कि जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करती है। तो ये ऐसे निकल रही है, टच करते हैं। Let AB be the chord of the larger circle which acts as a tangent to the smaller circle. Tangent to the smaller circle. ये हो गया। अब ये जो छोटा सर्कल है, इस छोटे सर्कल का जो सेंटर है इसको मैंने बोल दिया O। अब आप क्या करिए, O से A को ज्वाइन करिए, O से B को ज्वाइन करिए। तो ओ ए ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, ओ बी ये भी 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, और ये जो इनका मिड पॉइंट है उसको बोल दीजिए सी। ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बताइए ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा, दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर। आप एक चीज छोड़ो, आप सीधा सीधा देखो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक। तो एसी विल बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए लक्ष्य। नहीं एक बार और बता दो बस, अभी बता दो, एक मिनट रुकिए बस। देखिए हम ये कहेंगे कि एसी will be equal to CB, और रीजन में आप क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो पता है हमको, क्यों, क्योंकि ये AB एक टेंजेंट है ना। और छोटे सर्कल की अगर हम बात करें तो छोटे सर्कल का जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर वो यहां पर परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। अब हमने ये कहा कि परपेंडिकुलर सेंटर से, अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बड़े सर्कल के लिए तो AB कॉर्ड है, और ये जो 3 है बड़े सर्कल के लिए, 3 क्या है बड़े सर्कल के लिए, तो 3 ये है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने इसकी कॉर्ड पर, उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, एसी इज इक्वल टू सीबी। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। ये 9th क्लास में करी थी ये वाली प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ना एक या दो प्रॉपर्टी काम आएगी 9th क्लास की, तो बस यही एक प्रॉपर्टी है जो काम आती है, ठीक। तो हमने कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट्स व्हाई एसी इज इक्वल टू सीबी। और अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओसीए apply Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem in
ट्राइंगल OCA, इन ट्राइंगल OCA, तो OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर. अब OC कितना है? 3. A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO. AO कितना है? 5 का स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. AC 4 सेंटीमीटर हो गया. Therefore, length of cord, cord की length कितनी हो जाएगी? Length of cord AB, जब ये और ये दोनों सेम है, कितना हो जाएगा? 2 into 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर. और ये समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. कार्तिक क्लियर है? कृष्णांशी क्लियर है? यस सर. चलिए ठीक है. अच्छा, अब ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12. तो 10.12 फिगर बनाते हैं, है ना? देखते हैं किस तरीके से करना है. एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूं जरा. चलिए जी, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा, आप सभी लोगों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? यस सर. यस सर. अच्छा, बाकी कुछ बच्चों के तो हो गए ना, लेकिन खत्म? हाँ जी सर, खत्म हो गए. हाँ जी बताइए, इसकी क्या क्या कह रहे हो? सर दोबारा शुरू होने वाले हैं. क्या कह रहे हो? दोबारा शुरू होने वाले हैं सर. अच्छा, कब से हैं? 22. अच्छा, 22 से हैं, तो फिर तो होने ही वाले हैं, बस 4 दिन बाद. सर अक्टूबर के सेकंड वीक से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा, प्री बोर्ड हमारे अक्टूबर 10 से. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है. और बाकी बच्चों को बताइए, आस्था तुम्हारे तो खत्म हो गए ना सर? सर मेरे मिडटर्म्स अभी चल रहे हैं, सीएसटी और कंप्यूटर्स का बच रहा है, और प्री बोर्ड्स का तो मुझे कुछ नहीं पता. एसएसटी और कंप्यूटर का कब है? सर सीएसटी का 21 को है और कंप्यूटर का 23 को है. अच्छा, और तुम्हारे कार्तिक, तुम्हारे 22 से स्टार्ट है? सर 22. हाँ 22. अच्छा चलिए ठीक है, करो भाई मेहनत. अभी लॉकडाउन थोड़ा खींचेगा लंबा. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. तो एक फिगर बना रखिए, मैं फिगर बनाता हूँ जरा. और यहाँ पर ये फिगर इस तरह से है. देखिए एग्जैक्टली सेम तो नहीं बन पाई है फिगर, पर आप लोग समझ जाना. ये
ए बी सी डी, ये है ए बी सी और डी। अच्छा, और जो यहां पर टच कर रहा है ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, आर है और ये एस है, पी क्यू आर एस। मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव, टू प्रूव क्या, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, AD plus BC। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, जैसे हमको ना ये tangents वाली property हम यहाँ पर use करेंगे, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि एक तो AB tangent है, BC भी tangent है, CD भी tangent है और DA भी tangent है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम external points मानकर चलेंगे। देखो अगर मैं point A की बात करूँ तो point A से दो तरफ tangent पड़ रहे हैं, एक तो AS और AP, तो मैं कह सकता हूँ ना AS और AP equal होंगे। बताइए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AS, यहां पर लिखूंगा मैं टेंजेंट्स फ्रॉम A, AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम A, बस इतना सफिशिएंट है। टेंजेंट्स फ्रॉम A से ही सब कुछ क्लियर हो गया कि बाहर एक पॉइंट से अगर मैं किसी सर्कल पर किसी एक सिंगल पॉइंट से टेंजेंट डालूं तो सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट पड़ सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो AP इज इक्वल टू AS, ये हो गया। ठीक है, मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे AP है, अब AP के बाद मुझे AB बनाना है क्योंकि मुझे प्रूव करना है AB प्लस CD, मुझे AB बनाना है तो AB कैसे बनेगा, AP में अगर BP ऐड हो जाए तो AB बन जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, यही लिखेंगे इसके पीछे, BP इज इक्वल टू BQ, और रीजन में आप लिखिएगा टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम कैपिटल B, टेंजेंट्स फ्रॉम B, BP इज इक्वल टू BQ। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप अगर AP प्लस BP को एंड करोगे तो बेटा AB बन जाएगा, पहली चीज तो ये हो जानी चाहिए सबको क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब AB के बाद मुझे अगला चाहिए CD, तो C से देखो C से कौन कौन से टेंजेंट पड़ रहे हैं, और CD बनाना है मुझे, तो मैं चाहूंगा CD बनाने के लिए मैं चाहूंगा ये हो जाए CR plus DR, ये हो जाए, तो मैं लिखूंगा CR is equal to CQ, it is, ये दोनों क्या है टेंजेंट्स फ्रॉम C। बेटा समझ गए हो ना सभी बच्चे? यस सर, यस सर। ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गया सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब मुझे तो सी डी बनाना है, तो सी डी बनाने के लिए सी आर में क्या ऐड होना चाहिए, डी आर, तो मैं लिखूंगा डी आर इज इक्वल टू डी एस। हाँ जी बेटा बताओ। सर जो आपने अभी बताया आप रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी बता रहा हूँ। देखो मैंने ये लिखा, ये AB is equal to AS, tangents from A, A से पढ़ने वाले tangent, भाई A से या किसी भी external point से एक circle पर दो tangent drop करे जाते हैं, तो A से दो tangent drop कर दिए, एक हो गया AP और एक हो गया AS, तो AP will be equal to AS, मैंने लिख दिया AP is equal to AS, tangents from A, सबसे पहली चीज थी। उसके बाद में मैं चाहता हूं कि AB बन जाए, AB कैसे बनेगा कि AB में अगर BP ऐड कर दिया जाए तो BP कैसे आएगा, BP इज इक्वल टू BQ, अगर एक्सटर्नल पॉइंट B की बात करें तो B से दो टेंजेंट ड्रॉप हो रहे हैं इस सर्कल पर, BP और BQ दोनों इक्वल होंगे, तो BP इज इक्वल टू BQ टेंजेंट्स फ्रॉम B। यहां तक बताइए ये दोनों इक्वेशन क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब क्या है, AP plus BP, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB बन जाएगा, बट AP plus BP AB बन जाएगा। मुझे अगला चाहिए CD, तो CD के लिए मुझे क्या चाहिए, CR plus DR, ताकि पूरा CD बन जाए, तो
मैं लिखूंगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, रीजन में लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम सी, भाई सी बी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर पड़ने वाला पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो क्या हो गया सी आर इज इक्वल टू सी क्यू टेंजेंट फ्रॉम सी, ये हो गया। अब अगला लिखेंगे हम डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये मैंने जानबूझ कर डी आर इज इक्वल टू डी एस लिखा, हम डी एस इज इक्वल टू डी आर लिख सकते थे, पर मुझे सी आर के नीचे डी आर लिखना है क्योंकि सी आर प्लस डी आर करूंगा तभी मेरा सी डी बनेगा, बताइए डी आर इज इक्वल टू डी एस क्लियर है? यस सर, है ना। अब आप क्या करिए इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड ऑल दीज फोर इक्वेशंस, इन चारों को ऐड करेंगे और ऐड करके मैं इधर लिख रहा हूं कि क्या आएगा ऐड करके, AP plus BP plus CR plus DR, left hand side में सारी left hand side lines है ऐड हो जाएंगे, AP plus BP, sorry AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS। अब देखो AP plus BP क्या हो जाएगा, AP plus BP total क्या हो गया AB, left hand side में लिखिए AB, और CR plus DR, CR plus DR total क्या हो गया CD। अब AD चाहिए, AD कैसे बनेगा, AS plus DS, तो साथ साथ देखो AS plus DS को, AS plus DS को साथ साथ देखो बचेगा क्या BQ plus CQ, BQ plus CQ, ये हो गया है ना। तो अब आप देखिए AB plus CD तो left hand side में है ही, AB plus CD और AS plus DS, AS plus DS, ये total कितना हो गया AD is equal to AD BQ plus CQ, BQ plus CQ ये कितना हो गया total BC, यही चीज मुझे prove करनी थी, बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes sir। इतना करिए, बाकी आई थिंक इसमें तीन चार क्वेश्चन बचते हैं, कितने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, पांच क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, कल करा देते हैं, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके सर, ठीक है, हाँ जी बोलिए।